नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूँ आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। त्योहार और चुनाव से पहले प्याज सस्ता हो गया है। मंडियों में रबी प्याज की आवक बढ़ने से इसके थोक दाम में गिरावट आई है। महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में आवक बढ़ने की वजह से प्याज का भाव घटकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। पिछले साल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगने से पहले प्याज का भाव करीब 4500 रुपए प्रति क्विंटल था। प्याज कारोबारियों का कहना है कि अगले कुछ हफ्ते में प्याज की आवक और बढ़ेगी, इससे कीमतों में और गिरावट आ सकती है। कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी की वजह से टायर की कीमतों में इजाफा हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म नोम्योरा के मुताबिक पिछली तिमाही की तुलना में 18 मार्च तक घरेलू बाजार में रबर की कीमतों में 23% का इजाफा हुआ है। रबर कारोबारियों के मुताबिक अप्रैल मई के दौरान रबर का भाव 200 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। ऐसे में टायर कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में टायर कीमतों में इजाफा करना पड़ सकता है। कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी की वजह से टायर की कीमतों में इजाफा हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म नोम्योरा के मुताबिक पिछली तिमाही की तुलना में 18 मार्च तक घरेलू बाजार में रबर की कीमतों में 23% का इजाफा हुआ है। रबर कारोबारियों के मुताबिक अप्रैल मई के दौरान रबर का भाव 200 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसे में टायर कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में टायर कीमतों में इजाफा करना पड़ सकता है। सीबीडीटी ने टैक्स विवादों में अपील दाखिल करने का दायरा बढ़ा दिया है। आयकर अधिकारी अब टीडीएस, टीसीएस, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या ईडी और जीएसटी जैसी एजेंसियों से मिली सूचना से जुड़े मामलों में अपील दायर कर सकेंगे। 2019 में टैक्स डिमांड की तय सीमा के तहत अभी तक अधिकारी ITAT, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दायर कर सकते हैं। फिनटेक कंपनी पेटीएम पर हुई रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद उसकी ऐप पर पेमेंट बैंक से जुड़ी सेवाएं बंद हो गई हैं। कंपनी की तरफ से मोबाइल ऐप पर वॉलेट को हटा लिया गया है और वॉलेट की जगह 4 बैंकों को जोड़ा गया है, जिनके जरिए कंपनी की तरफ से UPI सेवा दी जा रही है। यानी पेटीएम भी अब गूगल पे और फोन पे की तरह UPI सर्विस कंपनी बन चुकी है। UPI सर्विस में फोन पे और गूगल पे का अभी तक दबदबा था, लेकिन अब पेटीएम इनके कॉम्पिटिशन बन सकते हैं। भारत डिजिटल हिंसा का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा शिकार हुआ है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्परस्काई के मुताबिक भारत में 2492 यूजर्स ने अपने साथ दुर्व्यवहार होने की जानकारी दी है। डिजिटल हिंसा के मामले में रूस पहले और ब्राजील दूसरे स्थान पर है। कैस्परस्काई के सर्वे में शामिल करीब 40% लोगों को लगता है कि उन्हें स्टॉक किया जा रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल हिंसा के मामले में भारत पहले स्थान पर है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने शाकाहारी लोगों के लिए प्योर वेज मोड सेवा शुरू करने की घोषणा की है। जोमैटो ने यह सेवा पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहार वाले ग्राहकों को पसंद को ध्यान में रखकर शुरू की है। प्योर वेज मोड में विशेष रूप से शाकाहारी भोजन परोसने वाले भोजनालयों और रेस्टोरेंट को ही शामिल किया गया है। फूड डिलीवरी करने वाले लोग केवल शाकाहारी भोजन ही डिलीवर कर सकेंगे। एडवांस टैक्स कलेक्शन बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.88% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए हो गया। एडवांस टैक्स कलेक्शन 17 मार्च 2024 तक 9.11 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 22.31% ज्यादा है। कंपनियों से एडवांस टैक्स के तौर पर 6.73 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स का योगदान 2.39 लाख करोड़ रुपए रहा। एडवांस टैक्स कलेक्शन का बढ़ना टैक्स पेयर्स के बीच बढ़ते स्वैच्छिक अनुपालन को दर्शाता है। राष्ट्रीय राजधानी से सटे गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास बने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में घरों की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। पिछले 10 साल में यहां घरों की औसत कीमत 83% तक बढ़ी है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला स्ट्रेच खुलने से कीमतों में आगे और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च की शुरुआत में कुल 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया था। एक्सप्रेसवे के चालू होने से आने वाले महीनों में घरों की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने पर 5 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ये सभी प्रोजेक्ट्स माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के हैं। गुरुग्राम रेरा ने माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के सभी 5 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। बिल्डर रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था।
जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी कंपनी पीएचएफ लीजिंग लिमिटेड अगले 6 माह में 200 लोगों की भर्ती करेगी। जालंधर मुख्यालय वाली पीएचएफ लीजिंग लिमिटेड में लगभग 400 कर्मचारी कार्यरत हैं। पीएचएफ लीजिंग आरबीआई में 1998 में पंजीकृत कंपनी जमा स्वीकार करने वाली ए श्रेणी की एनबीएफसी है। कंपनी ने पिछले 3 साल में प्रॉपर्टी लोन जैसे नए सेगमेंट की शुरुआत की है। पीएचएफ लीजिंग का परिचालन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई लोन पर ब्याज दर से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए हुई है। रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक पर 63,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 1,31,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं और डाउनलोड भी करें हमारे मनी9 की ऐप को और देखें सभी भाषाओं में अपनी पसंदीदा खबरों को। बने रहिए। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। तो बने रहिए मनी9 के साथ। मैं अभिषेक गुप्ता अभी लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार।